नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कटलेट। तो इसको बनाने के लिए हम कुछ सब्जी ले लेंगे, सबको अच्छा पहले धो लेंगे। एक गाजर कद्दूकस कर लेंगे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, 1 प्याज, 8-10 बीन्स, थोड़ा धनिया पत्ती, 2 चुकंदर, इन सबको अच्छा बारीक काट लेंगे। आधा कप मटर के दाने ले लेंगे, 3 आलू उबाल कर ले लेंगे। ब्रेड क्रम्ब तैयार करेंगे तो इसके लिए हम 4 ब्रेड ले लेंगे, उसको मिक्सर जार में डालेंगे और इसको थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। तो ये हमारा ब्रेड क्रम तैयार हो जाएगा। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए एक पैन गरम करेंगे, उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब जो कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च और प्याज है, इनको डालकर थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा भूनने के बाद इसमें सारी सब्जियों को डाल देंगे और अच्छा भूनेंगे। अब हम इसको ढककर पकाएंगे। इसमें नमक स्वाद अनुसार 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छा मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। हुए आलू जो हमने रखा था उसको मैश करके डाल देंगे। सबको अच्छा मिक्स करेंगे। अब आधा नींबू का रस और धनिया पत्ती जो काट कर रखे थे उन सबको डाल देंगे और ठंडा करेंगे। अब एक कटोरी में 2-4 चम्मच मैदा ले लेंगे, इसमें पानी डालकर घोलेंगे। थोड़ा पतला घोल बना लेंगे, इसमें थोड़ा नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। सब्जियों को ठंडा किए थे उसमें ब्रेड क्रम 2-4 चम्मच मिला लेंगे और सबको अच्छा मिक्स कर लेंगे। इसको हम कटलेट का शेप देंगे। अब एक पैन गरम करेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और गरम करेंगे। कटलेट का शेप तैयार किया है, उसको मैदा के घोल में पहले डुबा कर निकाल लेंगे और उसके ऊपर ब्रेड क्रम लपेट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हमारा रेडी है बहुत ही टेस्टी कटलेट। इसको आप जरूर बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। आज हम बनाएंगे ब्रेड से कटलेट। तो ये बचा हुआ ब्रेड है मेरे पास, टुकड़ा ब्रेड है, तो 4-5 स्लाइस मेरे पास है। इसको एक बड़े बाउल में ले लेंगे। आधा शिमला मिर्च, 1 टमाटर, 1 प्याज, थोड़ा धनिया पत्ती, 2 हरी मिर्च, इन सबको बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद नहीं है तो इसकी मात्रा थोड़ा कम कर दें। अब इसको हम 1-2 चम्मच पानी डालकर मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इनको हम कटलेट का शेप देंगे। तो शेप आप कोई सा भी दे सकते हैं, तो मैं इस तरह का शेप दे रही हूँ। इसका हम शेप तैयार कर लेंगे। अब बनाना शुरू करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे, उसमें हम इसके जितने पीस आ जाएंगे डाल के उलट पलट के अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही अच्छा बनकर हमारा कटलेट रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और भी ज्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इसके लिए 1 टीस्पून मैदा ले लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून पानी डालकर इसका एक पतला घोल तैयार कर लेंगे और ब्रेड क्रम भी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए जो बचे हुए ब्रेड है उनके 1-2 स्लाइस और ले लेंगे, उसको मिक्सर जार में पीस लेंगे। ब्रेड क्रम भी हमारा तैयार हो जाएगा। अब जो हमने जो कटलेट का शेप हमने तैयार किया है उसमें चारों तरफ से मैदे का घोल लपेट देंगे और चारों तरफ से अच्छा ब्रेड क्रम लगा देंगे। अब इसको ऑयल में डालकर उलट पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही क्रिस्पी कटलेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बचे हुए ब्रेड का हमने बनाया है, आप ब्रेड का भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। तो इसको आप जरूर बनाइए, खाइए, एंजॉय। वेज कटलेट लिए हम चुकंदर, आलू, गाजर धो लेंगे, छील लेंगे, कुकर में डालकर थोड़ा पानी डालकर 2-3 सीटी लगाकर उबाल लेंगे। ब्रेड क्रम के लिए 3-4 ब्रेड को रफली तोड़ के मिक्सर जार में बिना पानी डाले हुए हम पीस लेंगे। 1 गांठ लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्च, 1 बाउल हरा मटर, थोड़ा पानी डालकर दरदरा पीस लेंगे। बाउल में ले लेंगे में उबले हुए चुकंदर, आलू और गाजर को भी डालेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे, ब्रेड क्रम डाल देंगे, सबको मैश कर लेंगे और सारे मसालों के साथ इनको अच्छा मिक्स कर लेंगे। कटलेट का शेप देंगे, कम शेप तैयार कर लेंगे। अब कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, कटलेट के शेप में चारों तरफ से ब्रेड क्रम को लपेट लेंगे और ऑयल में डालेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम पकाएंगे और इसको उलट पलट के अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। कटलेट बनकर तैयार हो जाएगा।